हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सैयद जिब्रान। अभी इस वीडियो में हम लोग मैन मैटर्स हेयर टॉनिक का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आप टीवी पे इसका ऐड नहीं देखते हो, बट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह इसके ऐड्स आते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। इसके रिव्यूज़ मैंने देखा, क्योंकि मैं भी हेयर फॉल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ पिछले एक साल से, और इसको मैं एक महीना यूज़ कर चुका हूँ। ये कोई अनबॉक्सिंग रिव्यू नहीं है ना कुछ नहीं, इसको मैं एक महीना यूज़ करने के बाद मैं इसके रिजल्ट्स, मेरे पे जो काम इसने किया है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और एक एक बात डिटेल में सुनना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इसको यूज़ करने के बाद, मैंने क्या क्या मेरे बालों में चेंजेस पाए, मतलब मेरा हेयर फॉल कितना कम हुआ और मेरे बालों की थिकनेस बड़ी या घटी, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये मैं जब पार्सल मंगाया था तो मेरे को कुछ इस टाइप का बॉक्स मिला था, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, और ये है इसका बॉक्स मैन मैटर्स का हेयर टॉनिक्स का। इसके अंदर बॉटल और स्प्रेयर, साइड में इसके अंदर इसका ढक्कन है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये बॉक्स में अंदर टॉनिक है, ये बॉक्स फेंक देता हूँ। और उसी के साथ हमें और कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिस पे मेरा नाम लिख के भेजा गया था, जिब्रान। आप यहाँ पे देख सकते हो हैंडराइटिंग एकदम सेकंड के, दूसरी क्लास के स्टूडेंट की तरह इनके हैंडराइटिंग है। बाकी हैंडराइटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। इसमें आपको दिया जाता है ट्रैकर, 1 मंथ का ट्रैकर, जिसमें आप टिक कर सकते हो जिस जिस टाइम पे आप लगाते हो हेयर टॉनिक। दिन में एक बार यूज़ करना होता है इसको, और फिर आप रिजल्ट्स देख सकते हो कि, तो खैर मैंने तो ये नहीं किया, मैंने मतलब विजुअल रिजल्ट्स देखा है, मैंने ऐसा टिक नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर था मेरे लिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न था, तो मेरे को तो रेगुलर यूज़ करना ही था, क्योंकि मेरी स्कैल्प दिखने लगी थी, ये क्राउन एरिया में मेरी स्कैल्प दिखने लगी थी। बाल मैं छोटे रखूं या बड़े रखूं, मेरी स्कैल्प दिखती थी अंदर से। मैं बाल बड़े भी किया था, फिर मैंने इसको कट करवाया स्पेशली इसको यूज़ करने के लिए टॉनिक को, ठीक है। तो फिर और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अभी सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ते अगर मैं बैठूँ, ये तो बिल है, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बॉक्स भी फेंक देता हूँ। तो ये है मैन मैटर्स, इसका जो स्प्रेयर का लॉक भी इसमें दिया जाता है, स्प्रे का लॉक। तो इसको मैं तकरीबन, ये खाली होने को आ गया है, तो मैं ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मैं जब इसको फर्स्ट डे लगाया, मतलब शुरुआत के 8 दिन मेरा सेम रिजल्ट था, लाइक हेयर फॉल जैसे मेरा पहले था वैसे ही 8 दिन तक मेरा वैसे ही हेयर फॉल था, कोई मेरे को फ़र्क नहीं दिखा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट में मैंने पढ़ा इसके मैन मैटर्स की वेबसाइट पे कि 8 दिन में मेरा हेयर फॉल रुक गया है, किसी किसी ने लिखा है 1 महीने में, किसी किसी ने लिखा है 3 महीने बाद मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। तो मैं आपको एकदम ही जेन्युइन तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे पे इसका क्या असर रहा है। 8 दिन तक मेरा कोई हेयर फॉल नहीं रुका था, 8 दिन के बाद जो है मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो मेरे बाल थे, जो हाथ में मैं जब इसको लगा के मसाज करता था मेरे स्पेसिफिक क्राउन एरिया में, तो मैं जब मसाज करता था तो हाथ में मेरे एकदम ही पतले बाल झड़ के हाथ में आ रहे थे, एकदम ही पतले, मतलब पहले वैसे मैंने बाल नहीं देखा। तो फिर मैंने स्टडी किया कि कमेंट्स में मैंने बहुत सारे जन के रिव्यू देखे, तो उन्होंने भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने भी इसमें कमेंट किया था कि बाल एकदम थिन होके झड़ रहे हैं। फिर वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जो बाल, मतलब जो झड़ने वाले होते हैं बाद में, लाइक अभी एक जो बाल है ये 1 महीना बाद इसका टाइम आ रहा है झड़ने का, तो इसको अभी झड़ा देता है और अंदर से न्यू हेयर ग्रो करना स्टार्ट करता है। क्योंकि इसके जो है मेन 3 इंग्रेडिएंट जो है, जिसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की और ये वाकई में कारगर इंग्रेडिएंट्स है, लाइक इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, रेडेंसिल, प्रोकैपिल एंड बाइकैपिल, ये 3 इंग्रेडिएंट्स। रेडेंसिल का काम क्या होता है, रेडेंसिल क्या करता है, स्टेम सेल्स दैट प्रमोट न्यू हेयर ग्रोथ, यही वो रेडेंसिल है जो कि आपके बाल को एकदम थिन करके झड़ा देता है और अंदर से नए बाल उगने के लिए, मतलब इसको प्रमोट, नए बालों को प्रमोट करता है, ठीक है। प्रोकैपिल क्या करता है, प्रोकैपिल फाइट द फॉलिकल एजिंग प्रोसेस एंड ब्लॉक डीएसटी टू प्रिवेंट हेयर लॉस।
DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन से ही बढ़ता है। DHT क्या करता है, मतलब 20% DHT बनता है हमारे टेस्टोस्टेरोन 100% पे, तो 20% DHT बनता है जो हमारी मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और DHT क्या करता है, एक्चुअली हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उनके बीच में, मतलब हमारी जो नरिशमेंट की जो नसें जो होती है, जो हेयर फॉलिकल से जो जॉइंट होती है, वो नसों के और हेयर फॉलिकल के बीच में DHT जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये DHT को ब्लॉक, प्रोकैपल DHT को ब्लॉक करता है, DHT को मतलब यहाँ पे इतने एरिया में DHT होने नहीं देता है, ठीक है। और बाइकैपल क्या करता है, स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ एंड इंक्रीज हेयर डेंसिटी। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि मेरे हेयर पहले से ज़्यादा डेंस हो गए हैं, पहले से ज़्यादा थिक हो गए हैं। ये चीज़ मैंने यूज़ की करने के एक महीने के बाद मेरे को नोटिसेबल लगी और मेरा हेयर फॉल करीब करीब कम हो गया है। मतलब समझ जाओ, अगर कहीं 100 बाल मेरे झड़ते थे पहले, तो मैं गिनता था अभी मेरे बाल लिटरली, तो दिन के मैं करीब करीब 100 के ऊपर ही बाल झड़ते थे मेरे। नहाने के टाइम पे कुछ झड़ते थे, फिर कोम करता था जब कुछ झड़ते थे, और जब मैं ऑयल लगाता था तब कुछ झड़ते थे। तो ये कम हो गया है, बाल झड़ना तो कम हो गया है। ऑनेस्ट रिव्यू, मैं मतलब मिनोक्सिडिल यूज़ किया हूँ पहले, और मैंने बहुत सारे होम रेमेडीज़ यूज़ किए हैं, और मैंने बहुत सारे जो तेल है केरला का, बेंगलोर का, बहुत सारे तेल मैंने यूज़ किए, बट मुझे उतना कुछ ख़ास उसमें फ़र्क नहीं लग रहा था। बट ये जो है वाकई में मुझे कारगर लगा, तो मैं इसकी और एक बॉटल यूज़ करने वाला हूँ। तो आप ये था मेरा मैन मैटर्स का ऑनेस्ट रिव्यू आफ्टर 1 मंथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना, कमेंट करके बताना अगर आप भी मैन मैटर्स यूज़ करते हो या कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो हेयर फॉल रोकता है। तो फिर उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।